अभी तो नहीं खुला, अभी आई थिंक 1 घंटे बाद खुलेगा, तो तब तक मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये है लाइन अपनी टर्किश एयरलाइंस की। तो चेक इन हो गया, थैंकफुली इन्होंने मुझे रिटर्न टिकट कुछ नहीं पूछा है। सो चलो, वन हर्डल क्रॉस्ड। आई थिंक टू सी इट एंड क्या रूल्स चेंज हुए हैं। जैसे अभी तो, जैसे मैंने आपको बताया है कि नहीं है, मुझे याद नहीं है, anyway, बता रही हूँ। तो अभी यहाँ से मुझे निकलने पे उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट या कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरा बस टिकट देखा कि अच्छा टर्की जा रहे हैं, और ई वीज़ा देखा, और अच्छा कोविड टेस्ट भी नहीं पूछा उन्होंने मुझसे, कुछ भी नहीं पूछा। तो आई डोंट नो कि ये मैं स्विट्ज़रलैंड से जा रही हूँ इसलिए है कि उनके रूल्स हट गए हैं, जो भी हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे डिड हियर। अब मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कस्टम्स में वो क्या पूछेंगे मुझे, क्योंकि वहीं पे मेनली अब पूछा जाएगा मुझसे, जो पूछा जाएगा। तो आई कीप यू गाइस अपडेटेड। तो हम आ गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। मैं यहाँ के लिए फ़्लाइट बुक कर ली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाटक होता है कि जॉर्डन का अगर मैं बोलती, क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली चेक करते हैं। तो या सीम लाइक अ सेफर ऑप्शन कि मैं रिटर्न फ्लाइट बुक कर लूँ, क्योंकि अभी तो जॉर्डन का पता भी नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो इंडिगो की फ़्लाइट दोबारा चलने लगी हैं फाइनली, तो देर इज़ अ नॉन स्टॉप फ्लाइट टू दिल्ली। और ऑब्वियसली अगर आप रिटर्न ट्रिप करोगे तो आपको 35-40 या 45 मैच में मिल जाएगा। एक साइड का करोगे तो 26,000 कुछ पड़ रहा है, बट दैट इंक्लूड्स योर चेक इन बैगेज ऑल्सो थैंकफुली। तो या इट्स नॉट अ बैड डील। तो लेट्स सी, अब दोबारा पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस करना होगा। तो पिछली बार जब मैंने पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस किया था तब मेरे पास एम्बेसी वाला वीज़ा था। इस बार बेसिकली मेरे पास ई वीज़ा है, तो थोड़ा आई थिंक डिफरेंस प्रोसेस हो सकता है, तो वही मुझे फिगर आउट करना है। तो मैं जैसे ही ये सब कर लूँगी उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी वीज़ा पे, दोनों तरीके के वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे ऊपर कार्ड लगा दूँगी, तो आप देख लेना। तो या सो लेट्स गो एंड देन टू टर्की अगेन। इस्तांबुल एयरपोर्ट कैसे दिख रहा है बाहर से? दैट्स द इस्तांबुल एयरपोर्ट। बेसिकली दो एयरपोर्ट्स हैं, एक सबीहा वाला है, उसके लिए आप ऊपर कार्ड में देख लेना, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और ये वाला है हमारा इस्तांबुल, नया वाला एयरपोर्ट है ये। या तो मैंने अब लॉग इन कर लिया है, यहाँ पे आपको 1 घंटा वाला वाईफाई मिलता है फ्री, तो आपको बस अपना नंबर डालना है उसमें और फिर आपको SMS आ जाएगा अगर आपका इंटरनेशनल वाला रोमिंग चालू है। मतलब जनरली आपके पास ऑप्शन होता है रोमिंग चालू करने का, बट उसके आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है कुछ, क्योंकि उसमें बस SMS, अगर आप इनकमिंग SMS ही लेते हो तो कुछ एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा आपको। अगर आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो या फिर उसको यूज़ करते हो अपना इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो हाँ, तो हमेशा मतलब इंटरनेशनल रोमिंग लगा के रखो, बस मोबाइल डेटा उसका ऑफ रखना, दैट्स ऑल। तो हाँ, अब मैं लॉग इन हूँ, अब मैं पासपोर्ट कंट्रोल वाला ही थोड़ा करूँगी कि जल्दी से हो जाए। तो ये बहुत बड़ा है ये वाला। सो पासपोर्ट कंट्रोल वाला आ गया है, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है सरप्राइजिंगली, पता नहीं क्यों। दैट वॉज वेरी क्विक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछा क्यों कराया मैंने फ्लाइट टिकट, बट ठीक है, मतलब वापस भी तो आना ही है, तो नॉट दैट सैड अबाउट इट। वैसे भी जॉर्डन का बहुत ही ट्रिकी है, तो प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम ही करूँगी, लेट्स सी। बट या सो दैट्स इट गाइस, एंट्री हो चुकी है, ख़त्म। ई वीज़ा के साथ भी बहुत क्विक था, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया। आई डोंट नो इफ दे वांट टूरिज्म, दैट्स व्हाई दे आर नॉट आस्किंग, जो भी है, बट या दैट्स इट। सो लेट्स गो क्लेम माय बैग। इसका मैंने बैगेज काउंटर नहीं देखा, आई थिंक उधर लिखा हुआ है, इट्स ओके, इट्स फाइन।
सिटी वाला एरिया जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो ऑब्वियसली, और वहाँ पे सामने है बैगेज क्लेम, मेरा 10 नंबर पे है। तो रीज़न आज पता नहीं क्यों एयरपोर्ट बहुत खाली है, उस दिन रात को आई थी तो इतनी भीड़ थी, भगवान जाने क्या सीन है जो भी है। तो ऑलमोस्ट अपना बैग लेके इस बार मैं यूज़ करूँगी क्या कहते हैं अपना बस, हवाई बस। लास्ट टाइम मैंने किया था वैन, तो हाँ, और अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, मतलब 12 बजे तक का टाइम है पहुँचने के लिए बहुत आसानी से, और वहाँ पे तो सेफ, मतलब सेफ ही रहता है, कुछ इशू नहीं है, तो इट्स ओके। तो यह सब देखेंगे कहाँ से बस मिलता है। तो सब सामान उठा लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ बस स्टैंड की तरफ, होपफुली ATM भी रास्ते में दिख जाएगा। साइड था तो एक जो याद है, हाँ वो रहा। लेट्स गो। इस पर लिखा है बाहर ATM है, तो मैं बाहर वाले ATM में जाके देखती हूँ। बर्गर किंग भी है अगर आपको थोड़ा चिल मारना है तो। अमेजन का इंजन से मिलेंगी वहाँ पे भी, यहाँ से आप अगर आपको चाहिए तो टैक्सी वैक्सी बुक कर सकते हो, ना तो नॉट नीडेड। सो लेट्स टेक आउट मनी नाउ। ब्रेकिंग न्यूज़, ये वाले ATM पे वो चार्ज नहीं लेते हैं ट्रांजैक्शन का। मुझे पिछली बार नहीं मिला था, इस बार कोई चार्ज नहीं लगाया मुझे। 4.98 के हिसाब से उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं एंड सो मच बेटर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाले में आप यूज़ करना। हाइक बैंक करके है नाम, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये एयरपोर्ट पे है, आप थोड़ा सा आओगे एग्ज़िट की तरफ हवाई बस के लिए, आप अगर नीचे जाने के जाओगे तो उससे बस थोड़ा सा आगे आना, तो वहाँ पे ऐसे ATM लिखा होगा और 4-5 ATM है, तो यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। ये रहा हाइक बैंक करके हवाई बैंक, ये है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं और ये वाला मैंने ट्राई किया, हल्क बैंक। हाँ, हल्क बैंक पे वो चार्ज नहीं करते। बेस्ट न्यूज एवर। नीचे के फ्लोर पे हो गए, वहाँ पे सामने से येलो येलो दिख रहा है, वो हवाली मानी टैक्सी, एयरपोर्ट टैक्सी सब है। और मैं ढूंढ रही हूँ बस बेसिकली, तो बस का एरिया किधर है, ये है क्या बस? हाँ ये रहा हवालाइंस बस, इस्तानबुल वाला ये है। तो इधर से आप टिकट विकेट जो भी लेना है ले सकते हो। इधर से लेना है इसके चार्जेस बाय द वे। ये रहा हवाई स्पष्ट वाला, आई थिंक ये वाला लेना है मुझे। देखना पड़ेगा कौन सी जगह जाना है इसके लिए। टिकट मिल गया है अक्सरा से, फिर मेरे को मेट्रो कुछ लेना होगा, वो तो मेरे पास है इस्तानबुल पास, तो नॉट एन इशू। इसका इन्होंने बोला 12 नंबर से जाएगी, तो अब मैं 12 नंबर की तरफ जा रही हूँ। सारे बसेस के वो लिखे हुए हैं, कादी कोई के लिए 14 नंबर से है, ये सारी बसेस हैं। और आप यहाँ से ले सकते हो बसेस बेसिकली चीप एंड सब सही है। चली गई तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा दूसरी बस के लिए। तो हाँ, बस पहुँची को तो 2 घंटे में एक बस तो है एनीवे, सो टेंशन की बात नहीं है। हो रही एक अक्सर रे की भी है शायद से, लेट्स गो। सर लिखा हुआ है इस पर 52 TL, ये 755 पे जानी है। अच्छा सरे वाली, आई थिंक वो सामने वाली अक्सर है, रात के 1 घंटे में एक है बस, तो टेंशन की बात नहीं है। इसे भी टिकट कटवा सकते हो, पर मैंने ऑलरेडी कटा लिया तो ज़रूरत नहीं है।